ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मंत्री पद से इस्तीफा देकर, विधायकी से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी में आए सिंधिया के समर्थक ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कांग्रेस पर हमला बोला है। किस तरह कमलनाथ के खिलाफ जाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बड़ा फैसला लिया, कमलनाथ सरकार में क्या क्या कमियां थी, प्रद्युमन सिंह तोमर ने इन्हीं बिंदुओं पर प्रकाश डाला है। उपचुनाव की तैयारी में लगे प्रद्युमन सिंह तोमर अपने क्षेत्र ग्वालियर विधानसभा की चुनाव प्रबंध समिति की बैठक में शामिल हुए और इसके बाद कहते हैं, हमारा लक्ष्य क्षेत्र का विकास है। जब हम कांग्रेस में थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से क्षेत्र के विकास के लिए पैसा मांगकर थक गए, लेकिन उन्होंने ग्वालियर चंबल के हक का पैसा छिंदवाड़ा में लगा दिया। मैं छिंदवाड़ा के विकास का विरोधी नहीं हूं, लेकिन किसी के हक को मारना गलत है। मैं आभारी हूं भाजपा नेतृत्व का, मुख्यमंत्री का, जिन्होंने इस क्षेत्र के विकास के लिए धनराशि दी, जिनकी मदद से जो विकास का पहिया 15 महीने से रुका था उसे तेज गति से हम चलाएंगे। कांग्रेस द्वारा उनके विधायकों को तोड़ने के आरोपों का जवाब देते हुए प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा, ये कोरोना संक्रमण का समय है, इस समय राजनीति करने की जरूरत नहीं है, जनता की मदद की जरूरत है, लेकिन विपक्ष के पास क्या बचा है इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। विपक्ष जो अपनी भूमिका का निर्वाह करना चाहिए, विकास में बाधा नहीं बनना चाहिए। प्रद्युमन सिंह तोमर कहते हैं, कांग्रेस में अब कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए पलायन हो रहा है। वहां कोई धनी धौरी नहीं, विधायकों के क्षेत्र में विकास नहीं हो रहा तो वो कहां जाएंगे। वहां तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी काम कर रही है जिसमें मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष सभी छिंदवाड़ा से होगा। जिन्हें मुख्य धारा से जुड़ना है, अपने क्षेत्र का विकास करना है, वो भारतीय जनता पार्टी की ओर आ रहे हैं, हम उनका स्वागत कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रद्युमन सिंह तोमर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की तारीफों के कसीदे पढ़े। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।